हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज सेकंड और पैकेज वन कंप्लीट पूरा कवर करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि कितना यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। ये जो रास्ता है ये देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगले आने वाले वीडियो में हम जो इंटरसेक्शन है उसका अपडेट देंगे आपको। इंटरसेक्शन पर तो ड्रास्टिकल डिफरेंस आने वाला है कुछ दिनों में, क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ पर वो जो जहाँ पे डिसेंड कर रहा है वहाँ से ब्लैक टॉप होना शुरू हो चुका है और उसको कनेक्ट भी कर दिया है जो कंक्रीट वाला पार्ट है वहाँ से। ये वाला रास्ता आगे आने वाले वीडियो में हम दिखाएंगे, इसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंटल जो काम चल रहा है काफ़ी रैपिड स्पीड में चल रहा है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप दिल्ली से आएंगे और सीधा गुरुग्राम निकल जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए। ये जो ऊपर एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं आप, इस पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इसमें जो मिडिल जो डिवाइडर था उस पे मीडियन डिवाइडर बोलते हैं जिसको, उस पे एंटी ग्लेयर मीडियन भी लगा दिए कि ओपोजिट साइड में आने वाला जो ट्रैफिक है उसकी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो एक दूसरे को ऑब्स्ट्रैक्ट ना करें। ये सब पार्ट हमने पहले भी दिखाया हुआ था आपको, जस्ट एज ए आपको दिखाने के लिए कि दो जो पैकेज हैं उनमें कितना डेवलपमेंट हो चुका है और अगर हम ड्राइव करते हैं तो हमें कैसा एक्सपीरियंस होता है। इवन कुछ जो एक्सपीरियंस है वो इतना प्लेजरफुल नहीं है, सुखद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक का मोमेंट है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन ट्रैफिक का मोमेंट नहीं है। ये एलिवेटेड रास्ता द्वारका एक्सप्रेसवे का बन के तैयार था वो काफ़ी दिनों से, केवल इंटरसेक्शन की वजह से इसको ओपन नहीं किया गया। एक और मैक्सिमम काम यहाँ पे बाकी है और वो है यहाँ पे जो दो पोर्टल बीम हैं उनके बीच में सेगमेंट लगना। इवन एक पोर्टल बीम तो बन के तैयार है लेकिन दूसरे पोर्टल बीम पे तो अभी काम भी शुरू नहीं हुआ, तो इसमें लगेगा टाइम। देखिए ये लॉन्चर सामने वाले जो पोर्टल बीम है उस पर ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद एक और पोर्टल बीम आएगा उस पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये वाला काम अभी यहाँ पे बाकी है। तो अभी काम चल रहा है तो काम के अकॉर्डिंग ही ट्रैफिक के मोमेंट को डाइवर्ट किया हुआ है। अब ये जो रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं ये मेनली वापस आने के लिए है, वापस इन द सेंस अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, अगर आपको गुरुग्राम जाना है तो ये वाला रास्ता है, इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अभी इसको खोला गया है जाने वालों के लिए, और वो इसलिए क्योंकि भरतल चौक पे जो ट्रैफिक का कंजेशन होता है उसको कम करने के लिए। तो ऐसे ऐसे डाइवर्जन किए हुए हैं जो अभी अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक के जो मैप मोमेंट है, मेन जो मोमेंट है उसके अगेंस्ट है। लेकिन सभी को इंतज़ार है कि ये जब कम्प्लीट हो जाएगा तो सब डिसिप्लिन में चलेंगे, अपनी अपनी लाइन में चलेंगे और किसी के भी मोमेंट को ऑब्स्ट्रैक ना करेंगे। सामने देखिए ये जो बॉक्सेस हैं, पहले दो हुआ करते थे, अब ये टोटल 8 बॉक्सेस हैं। और जो दो बॉक्स ईच साइड होते थे पहले, अब ये 8 बॉक्स हैं और 4 बॉक्स ईच साइड हैं। कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ है, जो पहले वाले बॉक्स हैं उनसे ये थोड़े वाइड बॉक्स हैं। पहले वाले बॉक्स में केवल 2 लेन होती थी, इसमें अब देखें यहाँ पे 3 लेन हैं, यहाँ पे 3 लेन के बॉक्सेस बनाए हुए हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहले वाले बॉक्स में क्या 2 लेन होती थी या फिर 3 लेन होती थी? अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप एक बार कंफर्म करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पे काम चल रहा होता है तो एक लेन को जो काम करने वाले हैं उसको शुरू में ही रोक देना चाहिए। अब ये देखिए पूरा जो ट्रैफिक का मोमेंट, सब सारा जो ट्रैफिक है यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद पता लगता है कि यहाँ पे क्रेन खड़ी हुई है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी लाइन है वो पूरी ऑब्स्टैक हो जाती है और वो फिर ऐसे विदाउट इंडिकेटर दूसरे लेनों में घुसते हैं। तो ये भी एक
क्रेन नहीं, एक ट्रक खड़ा हुआ था। तो अभी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट हैं वो अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं। साइड वॉल बनने का काम चल रहा है, इधर जो रोड रोलर खड़ा हुआ था वो रोड को प्लेन कर रहा है, लेवलिंग कर रहा है। तो काम तो यहाँ पे काफ़ी ड्रास्टिक चल रहा है। आपको इवन मान के चलिए एक या दो महीनों में यहाँ पे काफ़ी कुछ फाइनल स्टेज तक कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे ट्रैफिक के मोमेंट को यहाँ पे खोल दिया जाता है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो रोड है इसको यूईआर सेकंड बोलते हैं, इसके नीचे द्वारका एक्सप्रेसवे है। बीच वाला डिवाइडर देख रहे होंगे आप, वहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है। साइड में एयरपोर्ट की वॉल है। काफ़ी एक अच्छा सा प्लेजरेबल एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे अगर आप ड्राइव करते हो। अभी अगर आप आते हो तो आपको 70-80 के अराउंड आप यू कैन ड्राइव ऑन दिस रोड, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे जो ड्राइविंग स्पीड है लिमिट है वो इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। अराउंड 100 तक आप जा सकते हो। ये एयरपोर्ट की वॉल है। इसको पैकेज वन बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे प्लस यूईआर दोनों हैं। और ये थर्ड ऑफ इट्स काइंड रिंग रोड है दिल्ली में। अभी सेमी रिंग रोड है, कुछ दिनों बाद ये थर्ड ऑफ इट्स काइंड रिंग रोड हो जाएगा। दिल्ली को ऐसे पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम से कम करने के लिए, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए ऐसे रिंग रोड्स की ज़रूरत है। जिससे ट्रैफिक का मोमेंट है वो इनसाइड दिल्ली ना आके, अगर आपको चंडीगढ़ जाना है और आप जयपुर से आ रहे हैं तो आप आउटसाइड जो रिंग रोड्स हैं उनका यूज़ करके विदाउट दिल्ली में एंट्री किए हुए आराम से जा सकते हैं बाहर से। तो जिससे दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा, प्लस दिल्ली में ट्रैफिक की जाम की जो प्रॉब्लम है वो भी, उससे भी निजात मिलेगा। तो एक जो कापासेड़ा की तरफ जो रास्ता जाता है उससे थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पे एक डाइवर्जन किया हुआ है। तो यहाँ तक देखिए सरफेस रोड के नीचे जो सेलो टर्नल्स है उनका काम कंप्लीट हो चुका। यहाँ से एक डाइवर्जन किया हुआ है। तो यहाँ ये जो बैरिकेड दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, एक प्लेन देखे हुए यहाँ पे लैंडिंग होता हुआ, ये हाईएस्ट पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का। यहाँ से आपको T3 काफ़ी इजीली विजिबल हो जाता है। ये जो क्रेन्स खड़ी हैं यहाँ पे जो सेलो टर्नल्स हैं ये सरफेस पे कनेक्ट होंगी। कुछ दिनों में यहाँ पे सीमलेस विदाउट एनी ट्रैफिक जाम एक अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है, उसी का सभी को इंतज़ार है। ये पैकेज वन है जो इनकम्प्लीट था, लेकिन यहाँ पे भी काम ने काफ़ी अच्छा पेस पकड़ा हुआ है। एक और प्लेन यहाँ पे लैंडिंग करता हुआ, सामने NS-48 है। और NS-48 की कंडीशन को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की ज़रूरत क्यों पड़ी है। और द्वारका एक्सप्रेसवे की एक ब्रांच है जो एयरपोर्ट से भी कनेक्ट होती है। तो अगर आप
द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप उस टनल का यूज़ करेंगे, सीधे एयरपोर्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। आज का दिन संडे है तो ट्रैफिक काफ़ी उस वॉल्यूम में काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर डे, और ये पूरा एक्सपीरियंस था द्वारका एक्सप्रेसवे का जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।